दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक इम्पॉर्टेंट बात कहना चाहता हूं। दोस्तों, कल हम अपने इसी चैनल पर ब्लॉगर पर साइट कैसे बनाएं ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जहां पर मैं आप सभी को स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल फ्री में ब्लॉगर पर साइट बनाना सिखाने वाला हूं। सो डेफिनेटली आप लोग कल के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि काफी सारे लोगों के मेरे पास कमेंट आए थे कि सर साइट कैसे बनाए ब्लॉगर पर, इस पर पूरी सीरीज लेकर के आओ। तो कल से स्टार्ट होने जा रही है, कल 4 दिसंबर है, तो रेडी रहना। सो गाइस, देखो आज की जो वीडियो होने वाली है वो हमारी सीरीज से संबंधित होने वाली है, बिकॉज आज मैं आप सभी लोगों के लिए 5 बेस्ट एंड प्रीमियम ब्लॉगर टेम्पलेट लेकर के आया हूं, जो कि बिल्कुल फ्री है। ठीक है, और अगर मतलब आपको ये बताना है कि आपको इन पांचों में से कौन से टेम्पलेट्स के ऊपर प्रॉपर वेबसाइट क्रिएट करवानी है, और पांचों के पांचों टेम्पलेट बहुत ही अच्छे हैं, कुछ पुराने हैं जिनके बारे में पहले बता चुका हूं, कुछ नए हैं, तो देखिए भाई कौन से हैं और आप मुझे बताइएगा कि आपको कौन सा बेस्ट लग रहा है। बाकी जो लोग की वेबसाइट ऑलरेडी ब्लॉगर पर है, तो वो भी अपनी पुरानी थीम को इन थीम्स के साथ अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस एक ही बात कहना चाहता हूँ कि नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर कॉल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहले आ सके। और अगर आप लोग इस वाली वीडियो को काफी समय के बाद देख रहे हो, तो आप लोग एक काम करना, आप लोग चले जाना प्ले लिस्ट में, और यहाँ पर मैं ब्लॉगर की जो पूरी सीरीज की प्ले लिस्ट है वो यहाँ पर डाल दूंगा। ओके, तो गाइस देखो अब चलते हैं टेम्पलेट्स की तरफ। तो सबसे मेरा फेवरेट, जिसे मैं लगभग हर एक वीडियो में बताता हूं आप सभी को, जब भी मैं ब्लॉगर के ऊपर कोई साइट क्रिएट करता हूं, जो मेरा फेवरेट टेम्पलेट है वो है मैक्स एसईओ। बिल्कुल सिंपल सा लुक है, और मैं यही कहता हूं कि जितनी आप लोग अपनी वेबसाइट सिंपल रखोगे ना, उतना ही फायदा होगा आपको आगे आपकी साइट के लिए अर्निंग करने के लिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर बस ऊपर कुछ मेन्यूज देखने को मिलते हैं, यहाँ पर कुछ लेटेस्ट जो आपने मेन्यू मतलब कैटेगरीज बनाई हैं, उन कैटेगरीज के लेटेस्ट जो पोस्ट होंगी वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पर जो आपकी पोस्ट वगैरह होंगी वो सारी सारी यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। बहुत ही सिंपल सा लुक है साइड में, आपको ये कुछ इस तरीके से आप लोग यहाँ पर ये चीजें ऐड कर सकते हो। ठीक है, लास्ट में फुटर आप सभी का है, जहाँ पर रिसेंट पोस्ट है, कैटेगरीज है, रिसेंट इन रेसिपीज है, जहाँ पर आप लोग अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हो। तो ये मुझे बहुत ही बेहतरीन टेम्पलेट लगता है, जिसका नाम मैक्स एसईओ। सो आप लोग चाहें तो इसका यूज कर सकते हैं, अपनी पुरानी वेबसाइट का टेम्पलेट हटा करके इसका यूज करके देख सकते हो। एंड मैंने अभी कुछ समय पहले जीके की एक साइट बनाई थी, जहाँ पर मैंने इसी टेम्पलेट को प्रेफर किया था, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग लुक लगता है मुझे इसका। ठीक है, सिंपल है, काफी अच्छा है, क्लिक करोगे पोस्ट ओपन हो जाएगी और पोस्ट भी काफी अच्छे तरीके देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये हमारा पहला टेम्पलेट था जिसका नाम है मैक्स एसईओ। सभी के डाउनलोड लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है, जाकर के चेकआउट कर लेना। अब अगला जो हमारा टेम्पलेट है उसका नाम है सुपर एसईओ ब्लॉगर टेम्पलेट। इसका इंटरफेस भी काफी अमेजिंग है, यहां पर देखो, इसलिए मैंने इसको सेकंड नंबर पर रखा है। ठीक है, यहां लेटेस्ट कैटेगरीज की पोस्ट आएंगे जो आप लोग सेलेक्ट करोगे, यहां पर आप अपनी किसी एक अच्छी पोस्ट को हाईलाइट कर सकते हो। ठीक है, बाकी यहां पर आपकी रिसेंट पोस्ट होंगी, एंड रीड मोर पर क्लिक करके आप लोग अपनी पोस्ट जो है आराम से यहां पर पढ़ सकते हो। ठीक है, सो ये भी मुझे काफी अच्छी लगी, और नीचे बाकी वो सेम है, फुटर एरिया बिल्कुल ठीक है, बाकी आप लोग यहां पर चेंजेस कर सकते हो। इसके अलावा यहां पर आप लोग ऐड वगैरह भी लगा सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड टेम्पलेट है जिसका नाम है सुपर एसईओ। अब भाई चलते हैं तीसरे टेम्पलेट की तरफ, जो मुझे काफी अच्छा ये भी लगता है, और इसका नाम है प्रो एसईओ। ये बिल्कुल नया आया है, आई थिंक इसको हो गए 1-2 महीने। सो ये प्रो एसईओ करके एक टेम्पलेट है, जो वर्डप्रेस की एक थीम है, चाइल्ड थीम करके, उसको ध्यान में रखते हुए शायद क्रिएट करा गया है। ऊपर यहाँ पर मेन्यूज देखने को मिलेंगे, जहां पर आप लोग अपने कैटेगरीज बना सकते हो, यहाँ पर आप लोग जो है इस तरीके से सेटिंग वगैरह कर सकते हो। यहाँ पर अगर आपको टूल है या आपको अपनी किसी दूसरे साइड पर रिडायरेक्ट करना है, तो आप लोग यहाँ से कर सकते हो। देन यहाँ पर आपकी लेटेस्ट कैटेगरीज की जो आप लोग बनाओगे इसके पोस्ट शो करा सकते हो। बाकी इस तरीके से यहाँ पर पोस्ट आएंगी, और ये आपकी कुछ लेवल्स वगैरह शो होंगे। बाकी नीचे का जो एरिया है वो लगभग सेम ही है। ठीक है, तो ये मुझे काफी अच्छा इसका लुक लगा, जिसका नाम है प्रो एसईओ टेम्पलेट। आप लोग चाहें तो यूज कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, उसके बाद हमारा जो अगला टेम्पलेट है उसका नाम है निट्रो। सो ये उनके लिए है जो मतलब बिल्कुल अपनी वेबसाइट को बिल्कुल सिंपल सा रखना चाहते हैं। ये जो मैक्स एसईओ है, इससे भी कहीं ज्यादा सिंपल ये टेम्पलेट है। तो ये मुझे बहुत ज्यादा अमेजिंग लगा है, क्योंकि इसमें कोई ज्यादा घिसपिच नहीं है, जस्ट पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी, रीड मोर पर क्लिक करोगे पोस्ट ओपन हो जाएंगी। बहुत ही सिंपल सा इंटरफेस है, सो आप लोग इसके तरफ भी जा सकते हैं एंड इसको भी यूज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हमारा अगला टेम्पलेट है उसका नाम है अल्ट्रा लाइट ब्लॉगर टेम्पलेट। और इसका जो इंटरफेस है वो कुछ न्यूज की जो वेबसाइट है उससे थोड़ा सा कह सकते उसी की तरह है, लेकिन उससे ज्यादा उसे थोड़ा सा ही कम है, लेकिन है काफी अच्छा। यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरीके से देखने को मिलेगा, सोशल बटन आपको देखने को मिल जाएंगे, बाकी पोस्ट वगैरह ये हैं और साइड में ये है। ठीक है, तो ये आप लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन
अकॉर्डिंग टू मी मुझे ये इसको ओनली 60-70% मैं इसको रेटिंग दूंगा, ज़्यादा नहीं। इसके अलावा हमने एक और टेम्पलेट यूज़ कराया, वैसे तो 5 हो चुके हैं लेकिन मैंने 2 टेम्पलेट ऐसे लिए हैं जिनमें आपको कुछ चूज कर लेने कौन सा सही लगेगा। लास्ट हमारा है वो है पोलर ब्लॉगर टेम्पलेट, ये मुझे थोड़ा बेटर लगा अल्ट्रा लाइट के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग काफ़ी बेटर लगा मुझे ये वाला पोलर वाला। ये नया है, आई थिंक अभी इसको 1-2 महीने हुआ है। आप लोग इसका भी यूज़ कर सकते हैं, पोलर ब्लॉगर टेम्पलेट और सिंपल सा लुक है। यहाँ पर आप लोग अपनी कोई अच्छी पोस्ट को हाईलाइट कर सकते हैं, देन यहाँ पर आपकी जो लेटेस्ट पोस्ट वगैरह है वो यहाँ पर शो होंगी, बाकी साइड में आप लोग इस तरीके से जो भी ऐड करना है वो फ्लैगिंग वगैरह ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे टोटल 6 ब्लॉगर टेम्पलेट थे। अब आपको इनमें से मुझे बताना है कि आपको किस टेम्पलेट के ऊपर जो है साइट क्रिएट करवानी है, मतलब मैं किस टेम्पलेट को चूज करूँ देन उस पर मैं पूरी साइट क्रिएट करूंगा विद SEO, आर्टिकल कैसे लिखना है सब कुछ, ठीक है। आप मुझे बताना कि कौन सा टेम्पलेट अच्छा है। बाकी आप लोग इनमें से अपने साइट में अगर कोई टेम्पलेट यूज करना चाहते तो कर सकते हो, आपके एडसेंस में कोई दिक्कत वगैरह नहीं आएगी। और हाँ, ये बिल्कुल फ्री टेम्पलेट है लेकिन लुक इनका बिल्कुल प्रीमियम वाला है, और अगर मेरे पास इनमें से किसी का प्रीमियम टेम्पलेट होगा तो मैं आपको दे दूंगा, नहीं होगा तो मैं फ्री वाला दे दूंगा। और ये जो नीचे आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पर जो फुटर आ रहा है ना, ये क्रेडिट कैसे हटा देते हैं, तो इसके ऊपर आपको यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएंगे, आप लोग उनको देख सकते हो, वरना इससे कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना और बताना कि कल से स्टार्ट करी जाए सीरीज, ठीक है या नहीं। और बाकी आप लोग मुझे बता देना कि कौन सा टेम्पलेट यूज करवाना है, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।